नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने खुद के चैनल मिस्टर एंड मिसेस दहिया पे। तो पिछला वो लोग जो आपने देखा माँ बेरी वाली का जो शक्तिपीठ था, अभी हम आए हैं गुड़गांव माँ शीतला धाम। आज हम आपको दर्शन कराते हैं माँ शीतला मैया के, और इनकी कुछ कथा है वो मैं आपको सुनाता हूँ दर्शन कराते कराते साथ के साथ। और यहाँ पे दुकानदारों से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, और माँ शीतला की सारी स्टोरी सारी चीज़ आपको विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। और जिन जिनकी कुलदेवी माँ शीतला माता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और कमेंट करके जरूर जाए जय माता जी। और अभी चैनल पे आपको एक से एक व्लॉग देखने को मिलने वाले हैं कंटिन्यू। हाँ, एक दो दिन का बीच में गैप रह सकता है पर व्लॉग कंटिन्यू आएंगे। अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लिए इतने दूर आते घूमते हैं, माँ के दर्शन हमारे भी हो जाते हैं आपके साथ साथ, और माँ की कृपा हमारे साथ साथ आप पे भी बनी रहे। बोलो जय माता दी और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाए जय माता दी। तो चलते हैं अभी माँ के दर्शन के लिए। आज कोई भी रास्ते का मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सबको पता है गुड़गांव माँ शीतला माँ का मंदिर है, और जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पूरा 30 किलोमीटर पूरा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेट ना करो, और चलते हैं माँ के दर्शन के लिए जय माता दी। तो दोस्तों ये है माँ गुड़गांव वाली का मंदिर, यहाँ पर अपनी दुकान है, शॉप वगैरह है। अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। अभी चल रहे हैं आप मंदिर की तरफ माँ के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे माँ की प्रसाद के लिए पांच दुकानें लगी हुई है। और आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाता हूँ और दर्शन कराता हूँ माँ शीतला मैया के, बड़ी मैया के भी और छोटी मैया के भी, और उनकी पूरी हिस्ट्री स्टोरी पूरी आपको बताई जाएगी। और चलते हैं अभी माँ के मंदिर की तरफ और दर्शन कराता हूँ आपको माता रानी के। बोलो जय माता दी। तो माँ उसकी वजह से यहाँ पे पानी की सेवा भी चल रही है, और ये पूरी मार्केट मैं आपको दिखा के ले चलता हूँ अभी माता रानी की मार्केट, जहाँ पे आपका हर सामान वगैरह साथ के साथ यहाँ पे मिल जाता है। माता रानी की मार्केट है प्रसाद वगैरह की, यहाँ पे पूरी बड़ी मार्केट लगती है। शीतला माँ के मंदिर में शीतला माता मंदिर, यहाँ पे आप किसी भी टाइम आ जाओ, क्राउड ऐसे ही रहता है। जय माता दी। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, बोलो जय माता दी। और अभी आप लोगों को दर्शन कराता हूँ मैं माता रानी के, अपनी कमेंट बॉक्स में लिखते रहना जय माता दी। और दर्शन के लिए अभी चल रहे आगे, दिखाता हूँ आपको मंदिर परिसर का पूरा रास्ता। ये मंदिर परिसर अंदर जाने के बाद है, नवरात्रों के टाइम में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती, क्राउड तो भी बहुत ज़्यादा है। और चलो ये देख लो आप, लाइन के लिए बना रखा पूरा। यहाँ पे दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और आज हम भी माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं माँ शीतला धाम गुड़गांव। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ मुंडन हॉल, जहाँ पे बच्चे होते हैं, सारी चीज़ होती है, और जहाँ पे बच्चों के बाल वगैरह उतरते हैं, मैं उनके दर्शन आपको कराता हूँ मुंडन हॉल के। तो ये है यहाँ का शीतला माँ मंदिर का मुंडन हॉल, जहाँ पे न्यू बेबी होते हैं जब उनके बाल वगैरह उतरते हैं। ये पूरा वहाँ का मुंडन हॉल दर्शन कराता हूँ, जहाँ पे वहाँ बजरंगबली जी, शनिदेव महाराज जी और भैरवनाथ जी बाबा और माँ काली, और सारी चीज़ यहाँ पे अंदर हॉल है जहाँ पे बच्चों के बाल वगैरह रिमूव होते हैं। तो अभी चलते हैं माता के दर्शन के लिए। तो अभी चल रहे हैं माता के दर्शन के लिए और माता रानी के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। हेलो जय माता दी, जय माता दी। तो ये लाइन है जहाँ पे भक्त लोग अपनी लाइन में आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। और अभी मैं आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ। जय माता रानी आपकी सदा ही जय, सामने माता रानी है। जय माँ शीतला मैया आपकी सदा, जय मम्मी शीतला की आपकी सदा ही जय। बड़े ही प्यारे दर्शन करा दिए हैं। अब कमेंट में माँ शीतला माता की जयकार लिख के जाइए और जय माता दी लिख के जरूर जाइए। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ शीतला धाम आ चुके हैं बड़ी माता के मंदिर में, अभी आप लोगों को दर्शन कराते हैं और चलते हैं छोटी माता के दर्शन कराने के लिए, और यहाँ के बारे में आपको बताते हैं फिर। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय माता दी लिख के जरूर जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय माता दी, और चलते हैं माता के दर्शन कराने के लिए आपको। जय माता दी।
दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग माँ शीतला माता के, अभी बड़ी माता के मंदिर में हम आ चुके हैं। जय मम्मी की, जय माता दी, माता के दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। जय शीतला माई की, जय जय माता दी, जय माता दी। तो भाई को माँ शीतला के दर्शन कर लीजिए, काफी प्यारे दर्शन हो रहे हैं। और कमेंट में जय माता दी लिख के जरूर जाए। जय माँ शीतला माई, माता रानी सबसे प्यार बरसाए और अपना आशीर्वाद बरसाए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, जय माता दी। तो काफी प्यारे दर्शन हो गए हैं माता रानी के, और बैकग्राउंड में आप देख भी रहे होंगे माता रानी के। अभी चलते हैं छोटी माता की तरफ माँ के दर्शन करने के लिए, और छोटी माता के दर्शन करने के लिए चलते हैं और माता रानी के साथ छोटी माता के साथ के साथ दर्शन कराते हैं आपके, और माता के दर्शन करके तो फिर मंदिर के इतिहास के बारे में आप सबको सारी चीज़ बताई जाएगी। तो देखते हैं, अभी दर्शन करते हैं माता रानी के, छोटी माता के। जय माता दी। तो अभी मंदिर से बाहर आ चुके हैं हम, और ये जोत लगाने की जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे माता रानी की जोत लगाई जाती है, जय माता रानी की, जय बाबा भैरवनाथ की, और ये प्रसाद का रास्ता। तो मुंडन हॉल मैंने आपको दिखाई दिया था, तो अभी दर्शन के लिए चलते हैं छोटी माता के दर्शन के लिए। अभी दर्शन के लिए चलते हैं छोटी माता के दर्शन के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखना, बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन आपको कराई देता हूँ। जय बाबा भैरवनाथ आपकी सदा ही जय। बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन मुंडन हॉल में, जय बाबा भैरवनाथ की। और अभी चलते हैं, अभी चलते हैं छोटी माता के दर्शन के लिए, जय माता दी। तो अभी छोटी माता के दर्शन के लिए चलते हैं घर में सुख शांति के लिए, और पूरी कथा मैं आपको सुनाऊंगा अभी। तो चलते हैं छोटी माता के दर्शन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और भाई गला बिल्कुल बैठ गया, जयकारे लगा लगा के, उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। तो जय माता जी जरूर लिखे। तो छोटी माता के दर्शन के लिए चल रहे अभी, जय माता दी। छोटी माता का मंदिर जाने के लिए मंदिर से पूरा बाहर आना होता है, और आगे रास्ता है माता के मंदिर का। भाई जी पैर जड़ गए बहुत ज़्यादा, पूरी ज़्यादा, मैं नंगे पैर आ गया था, कम से कम आधा मीटर 500 मीटर तो होगा यार, और पैर जल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, और धूप हो रखी है गंदी, मैं नंगे पैर चल रहा हूँ। छोटी माता के मंदिर से थोड़ा दूर था, तो मैं जड़ गया पैर। छोटी माता का मंदिर थोड़ा दूर था, तो मैं गाड़ी लेने वापसी आया हूँ, और चप्पल मैंने यहीं उतार दी थी। तो अभी गाड़ी के पास जाऊँगा और चप्पलें पहनूंगा, फिर वापसी जाऊँगा। मेरे को दोस्तों नंगे पैर आ रखा बिल्कुल, और पैर गए जल्दी। अभी गाड़ी के पास जाता हूँ, चल चल के रुक रुक के चल रहा हूँ, फिर गाड़ी पहुँच जाऊँ, और फिर गाड़ी पर पहुँच के आपको लाइव आता हूँ दोबारा। जय माता दी। तो अंकल जी बताएंगे अभी अभी छोटी माता और बड़ी माता के बारे में। तो अंकल जी बड़ी माता कौन? आपको अभी पूरी नॉलेज नहीं है? छोटी माता का नहीं, किताब है, आपको दिखाऊं? किताब है, किताब तो मेरे पास भी घर पे है, पर मुझे नॉलेज पूरी नहीं है। मुझे भी पूरी किताब में भी नहीं है। फिर माँ छती तो ये होगी माँ शीतला माता, जो सिपाही की देवी है, झाड़ू हाथ में रहता माँ के। और माँ छोटी वाली माँ, माँ मसानी है, मसानी माता, उनकी कथा के बारे में आपको नहीं पता? उसकी कथा के लिए दे। तो चलते भाई छोटे मंदिर की तरफ, वहीं पे देखते हैं जो बड़ी माता है माँ शीतला माता। वह गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी, जो उनकी मृत्यु के साथ सती हो गई थी। माँ ने कहा था अब मैं सती होके लोग बागों का भला करूंगी। तो अभी माँ मसानी जो माँ छोटी माता, उनके बारे में भी जाके देखते हैं क्या कथा क्या नहीं, और उसकी भी कथा आपको बताते हैं। चैनल पे जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिख के जरूर जाना। तो भाइयों अंकल से बात करके पसीना देख लो कितना, मैं गाड़ी में आगे बैठ चुका हूँ, और अभी गाड़ी को लेके चलेंगे माँ मसानी के मंदिर में, छोटी वाली माता के मंदिर में। तो अभी आपको दर्शन कराता हूँ, शीतला माई के दर्शन काफी अच्छे हुए हैं। तो कमेंट में जय माता दी लिख के जरूर जाए, और अभी चलते हैं छोटी माता की तरफ, मामा साने की तरफ, उनके भी आपको दर्शन कराता हूँ, और जय माता दी लिख के जरूर जाए।
चलते हैं मामा सानी की तरफ। जय माता दी। गाड़ी लेके जा रहा हूँ यार, पैर काफी वो हो गए थे, वहीं पे गाड़ी खड़ी करूँगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब कुछ है नहीं, आप लोगों का प्यार बना रहे यही मुझे चाहिए भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, निकलते हैं माँ के मंदिर की तरफ, छोटी माँ के मंदिर की तरफ। तो चल दिए हैं छोटी माँ के मंदिर की तरफ और गाड़ी में चल रहे हैं अभी, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ छोटी माँ का मंदिर। काफ़ी दूर से देखो, मैं पैदल आया था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से मैं पैदल आ रहा था, कहाँ से नहीं। और मैं नंगे पैर था, और माँ के मंदिर से भी काफ़ी आगे चला गया था मैं, पैर इतने गंदे वाले चले ना, माँ के रास्ते से उल्टा आ गया। मैंने काफ़ी टाइम तो बर्दाश्त किया। यहाँ पे देखो भाई, आज गैस है तो पानी भी पिलाया जा रहा है, ठंडा पानी। तो अभी चल रहे, देखो माँ के मंदिर का दिखाता हूँ मैं आपको गेट, और फिर माँ मसानी के मंदिर की तरफ चलते हैं, छोटी वाली माता की मंदिर की तरफ। तो ये देखो, ये माँ का गेट, और यहाँ से मैं वहाँ तक चला गया था, इससे भी आगे तक मैं चला गया था। मैं कुछ यहाँ तक आ गया था जहाँ पे भाई नींबू पानी पिला रहे ना, तो यहाँ तक आ गया था मैं। और पैर इतने गंदे वाले हीट हुए ना, पूछो मत यार, पसीना देखा आपने कितना ज़्यादा आ रखा था। तो अभी चलते रहे हैं माँ के तरफ, मंदिर की तरफ, माँ के दर्शन कराता हूँ आपको और पूरा बाजार दिखाता हूँ, दोनों मंदिर साथ की साथ है ये। तो चल रहे हैं माँ के मंदिर की तरफ अभी। जय माता दी। तो ये रास्ता मुड़ गया भाई यहाँ से, और काफ़ी दूर आना होता अगर वो होता तो, क्योंकि भाई धूप ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा हीट है। और माँ के मंदिर की तरफ चलते हैं, माँ के दर्शन करा के लाता हूँ। ये मार्केट है, पूरा मार्केट एरिया है यहाँ पे, तो सारा अभी दर्शन कराता हूँ फिर माँ के आपको। तो ये पूरी मार्केट है, और भाई काफ़ी दूर था माँ का मंदिर, ठीक है मैं गाड़ी लेके आ गया, वरना पैर काफ़ी हीट हो जाते। मैं दर्शन कराने ले चल रहा हूँ अब आपको, छोटी वाली माता के दर्शन करा रहा हूँ आपको। अभी दर्शन करके फिर आराम से मैं आपको यहाँ पे पता करता हूँ माँ मसानी की कहानी, नहीं हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे पढ़ लेना, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मेरी नॉलेज में कहानी नहीं है मामा सानी की, और मैं चेक करके थोड़ा आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना भाई, जिसको नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। तो अभी चलते हैं मामा सानी की तरफ, छोटी वाली माता की तरफ। तो जय माता दी, बड़ी माता के दर्शन हो गया, छोटी माता के दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जय माता दी। तो लोगों, दोस्तों, मेरी YouTube फैमिली, फाइनली हम पहुंच गए हैं माँ मसानी के मंदिर में, छोटी वाली माता के मंदिर में। अभी माँ का आपको दर्शन कराता हूँ, चलते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, और आपको दर्शन करा के लाता हूँ। बोलो जय माता दी, जय माता दी, आपको दर्शन कराता हूँ माता रानी के। तो फाइनली हम आ गए भाई छोटी वाली माता के मंदिर में, अभी आप लोगों को दर्शन कराता हूँ छोटी वाली माता के, और दर्शन करा के मैं अभी आपको ले चलता हूँ मंदिर की तरफ। तो ये माँ का मंदिर आ गया है। जय मेरी मम्मी की, जय माता रानी की, जय। तो भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ माता रानी के, माता रानी के अंदर चलते हैं। माता के दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को, बोलो जय माता दी, जय माता दी। छोटे वाली माता के दर्शन है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। जय माता दी, जय माता दी। माँ मसानी माई की कथा बताओ क्या है, फिर दिलाता हूँ। मसानी माई की कथा। हाँ, कौन थी माँ मसानी माई? माँ चुगानन माता। इनकी कथा क्या है, कहानी क्या है? आप यहाँ रह रहे हो इतने टाइम से, माँ चुगान वाली की कथा नहीं पता आप लोगों को? नहीं आपको पता? तुझे पता बेटा माँ चुगान वाली की कथा? चुगान वाली की कथा नहीं पता? शीतला की कथा मैं बताऊँ। शीतला माता एक गांव में मैया रानी जैसे निकल रही थी गांव के अंदर से, एक औरत ने गरम पानी ऊपर से फेंका, चावल का गरम पानी। तो मैया शीतला जा रही थी, उसके ऊपर पानी डल गया तो मैया के फुल के पड़ गए। कुमारी ने माँ की मदद की थी, पानी डाला था, सीधी कुमारी के घर ही गई थी माता। अच्छा। शीतला माता, उसको माता ने ठंडा पानी मटके का, अच्छा। बासी पानी,
उसको पिलाया, उसके ऊपर से डाला, उसकी माता की ठंड गई थी, ठंड गई थी देखी थी। फिर राजा ने फिर बोला था कि माँ की सवारी थी जो बड़ी माता की, जो गधा था वो कहाँ पे हुआ था, वो लुवारी के कुमारी के घर था, कुमारी के घर से ही गया। आ, गर, उसकी गर, सवारी माता की सवारी शीतला की सवारी कुमारी के घर से ही हुई। कुमारी ने बोला था मेरे घर में सास पाई नहीं है, तो माँ ने वहाँ पे झाड़ू उठाई थी। आपसे ज्यादा तो कथा मुझे पता है, आप यहाँ पे रह रहे हो, आपने कथा का नहीं बताया। माँ चौगान वाले की कथा क्या है? अभी आए हो? पता नहीं फिर मुझे था। तो भाई अभी दर्शन करके निकल लिए हम, और यहाँ पे अभी किसी को कथा नहीं पता था। माँ शीतला की कथा तो सबको पता था, मैं आपको बताता हूँ माँ मसानी की कथा। माँ मसानी को माँ चौगान की रानी भी कहा जाता है, चौराहे वाली माँ भी कहा जाता है। और जो चौराहे वाली माँ थी, उन्होंने देखो माँ पे हर तरह का भोग लगता है चौराहे पे, कोई किसी तरीके का भोग लगाता, कोई किसी तरीके का लगाता। पर आपको एक बात पता है, चौराहे वाली माँ ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया था, ब्राह्मण थी चौराहे वाली माँ, तो इन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया था माँ ने, और चौराहे वाली माँ ने। और फिर माँ घूम रही थी आकाश में, तो एक जगह लाल सिंह इनके गुरुजी थे जो बहुत बड़े भगत थे, वो सभी शक्तियों का आह्वान कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि आसमान में एक शक्ति घूम रही है जो चौराहे वाली माँ थी, तो माँ मैदान वाली माता, छोटी माता के नाम से आप जानते हो जिनको, वो घूम रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये शक्ति कौन सी है जिन्होंने मैंने सभी शक्तियों का आह्वान किया और वो शक्ति आई नहीं। फिर उन्होंने जो लाल सिंह थे उन्होंने हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना की कि माँ आप भी आइए और भोग स्वीकार कीजिए। तो वहाँ पे लाल सिंह को सेवा देख के कि लाल सिंह मेरी इतनी सेवा कर रहे, पहले जो भगत थे माँ चौगान वाले के वो थे लाल सिंह। तो लाल सिंह को ही माँ चौगान वाली ने अपना गुरु माना था, कि जो काम माँ चौगान वाली है सारी चीज़ है, जो भोग लगता है सारी चीज़ है वो लाल सिंह के साथ ही वो चलता है। माँ का लाल सिंह के जो थे वो माँ के गुरु थे। और अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर वहाँ से माँ ने बोला था कि जो भी मुझे जो भी भोग देगा मैं वही भोग स्वीकार करूँगी। फिर कोई उसी के बाद से माँ ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया था, उसी के बाद से माँ ने बोला था कि जो भी मुझे जो भोग चढ़ाएगा मैं वही स्वीकार करूँगी, उसमें कोई पतासे है, कोई भाई वेज है, कोई नॉन वेज है, जैसा भी आप भोग चढ़ाओगे माँ स्वीकार करेगी और उसी भोग पे आपका काम सारे कार्य सिद्ध करेगी। तो बोलो जय माता दी। और जितना मेरे नॉलेज में, देखो मुझे भी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, जितनी नॉलेज मुझे थी उतनी मैंने आपको दे दी माँ चौगानन की, क्योंकि माँ चौगानन ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया था, इनके गुरु लाल सिंह से लाल सिंह जी थे। और अभी मैं गुड़गांव से दर्शन करके निकल रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगले 2 से 3 दिन में एक मंदिर में और चलते हैं और आपको दर्शन करा के लाते हैं। तो जय माता दी, हर हर महादेव, और जय बजरंगबली जी की। और अभी चलते हैं घर की तरफ। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।